आप लोगों ने न्यूज़ तो पढ़ ही ली होगी कि सरकार ने चाइनीज 118 एप्स पर फिर से बैन लगा दिया है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पहले आपने देखा कि 59 कितने 59 ऐप बैन किए गए चाइनीज, फिर उसके बाद आपने देखे कि 47 ऐप्स को बैन कर दिया गया था भारत में, उसके बाद अब आपके 118। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो पबजी की आप लोग बात करते रहते थे, जो हमेशा चर्चा में बना रहता था, तो उसे भी बैन कर दिया गया है। इससे पहले आपने देखा होगा कि डीयू रिकॉर्डर हुआ करता था, कैम स्कैनर हुआ करता था, टिकटॉक हुआ करता था, उसे भी बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो आपने देखा है कि केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने 118 ऐप को बैन कर दिया है। इस लिस्ट में पबजी को आप लोग सबसे ऊपर देखेंगे। कहने का मतलब है कि पबजी क्योंकि कुछ ज्यादा ही चर्चा में था, तो इसे भी बैन कर दिया है। सरकार ने कहा है कि प्रतिबंध किए गए मोबाइल ऐप देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए खतरा थे, इसलिए इसे बैन कर दिया गया है। इससे पहले आपने देखा केंद्र सरकार ने 29 जून को टिकटॉक समेत 59 ऐप को बैन किया था। इसके बाद जुलाई के महीने में मोदी सरकार ने 47 अन्य ऐप्स को भी बैन किया गया था, और ये ऐप पहले बैन किए गए 59 ऐप्स के क्लोन के तौर पर तैयार किए गए थे। यानी कि जो 59 ऐप बैन किए गए थे उनके एक तरह से क्लोन कॉपी की तरह यूज हो रहे थे। समझ रहे हैं आप लोग, क्लोन का मतलब होता है कि जैसे आज व्हाट्सअप है, आप व्हाट्सअप सब लोग यूज करते हैं, इसका एक दूसरा कोई इसी की तरह का वर्जन ले आया जाए, ऐप्स ले आया जाए, तो उसे हम लोग कह देते हैं क्लोन, यानी कि सेम। एक बात आप लोग देख लीजिए, आपने देखा है ये सभी कहानी कहाँ से शुरू हुई है? ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। इसमें देखें आगे आप लोग, श्रीलंका है, पड़ोसी हमारा बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये है चीन। एक बात आप लोग जान लीजिए कि चीन से हमारी डायरेक्ट सीमा नहीं लगती थी, लेकिन आपने देखा है तिब्बत वाला पूरा हड़प लिया किसने? चीन ने। तब से हमारी सीमा लगने लगती है चीन से। और एक समय आप समझते थे कि अंग्रेज क्या किया करते थे, विस्तारवादी नीति अपनाते थे, यानी कि अधिक से अधिक क्षेत्रफल पर कब्जा करना। आज वही हालत चीन की हो चुकी है, क्योंकि चीन से जितने भी देशों की सीमा लग रही है सभी से उसका कुछ कुछ ना कुछ विवाद चल रहा है। यहाँ आप देख लीजिए, ये आपका पैंगोंग लेक, यहाँ बात की जा रही है, यहाँ विवाद चल रहा है। इससे पहले आपने देखा है कि झड़प हुई थी, हमारे 20 सैनिक शहीद भी हुए थे इसी में, ठीक है। दूसरा कुछ दिन पहले आपने, कुछ साल, कुछ ही टाइम पहले चुंबी वैली डोकलांग रीजन में भी विवाद देखा था। आप लोग अरुणाचल प्रदेश को भी देखते रहते हैं, वो कहता है, चीन कहता है कि हमारा पूरा हिस्सा है, समझ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश को, तो वो हर जगह से एक तरह से आप कहिए कि जहां उसका कोई हो या ना हो वहां भी अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है। भूटान का आपने देखा होगा, भूटान के आप सोचिए कि उसकी सीमा नहीं लगती है, फिर भी उसने कह दिया कि यहाँ हमारा हिस्सा है। यानी कि एक सोचिए कि भूटान का मतलब यहाँ उसकी सीमा लग रही हो, बता दी यहाँ, यानी कि आप कहिए कि वही है कि एमपी, एमपी और यूपी आपका है बॉर्डर, ठीक है। एमपी वाले आपके कहने लगे कि आपकी सीमा उसकी कानपुर से नहीं लगती है, और बताने लगे कि कानपुर हमारा हिस्सा है। तो एक तरह से आप सोचिए कि बीच वाला हिस्सा, मतलब आप सोचिए कि आसपास सीमा भी नहीं लग रही है, फिर भी वो बीच में घुस जाएगा। एक समय आपने सुना होगा कि हैदराबाद की बात की जाती थी, जब पाकिस्तान भारत का बंटवारा हुआ तो हैदराबाद एक रियासत हुआ करती थी, उसने पाकिस्तान में मिलने की बात की। तो आप सोचिए कि भारत मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है भारत के बीच में, और कह रहा है कि पाकिस्तान में मिलेंगे, पाकिस्तान कह दे कि हमारी जमीन है, तो एक तो विवाद है, मतलब आप सोचिए कि बीच में अगर हम चारों तरफ से बंद कर दें रास्ता तो कहां से निकलेगा, तो इस तरह का विवाद देखा जाता है। और ये आपके नीचे लिस्ट दी गई है, पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल देता हूं, देखते रहिए आप लोग, इसमें जो भी जरूरी हो आपके, आप भी यूज करते होंगे तो देख सकते हैं। और ये याद रखिए, यहाँ आंतरिक सुरक्षा, अखंडता या शांति व्यवस्था की बात इसलिए की जा रही है, मान लीजिए आप लोग जूम मैप्स यूज करते हैं वीडियो कॉलिंग के लिए, आप सोचिए कि हमारे प्रधानमंत्री कश्मीर में बात कर रहे हैं किसी सेनाध्यक्ष से, कोई प्राइवेट बात है, अगर वो आप सोचिए लीक हो जाए, कोई भी रणनीति बना रहे हैं किसी भी तरह की, अगर वो लीक हो जाए तो हमारे देश की शांति व्यवस्था को और हमें एक तरह से बहुत धक्का लग सकता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसलिए
आप जानते हैं कि बाहरी जो भी एप्स होती हैं, बाहरी कंपनियां, वो क्या करती हैं कि सर्वर अपने यहाँ रखती हैं। समझ रहे हैं ये बात को? अभी आप देखते हैं कि जो भी हम लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, गूगल यूज करते हैं, इनका सर्वर हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन ये अमेरिकी कंपनी है, तो क्या है, एक तरह से भरोसा है उन पर। समझ रहे हैं अभी? लेकिन चाइनीज कंपनियां क्या करती हैं कि चाइना सरकार की दबाव में काम करती हैं, तो ये जो भी डाटा रहता है ये सेव करके चाइनीज मतलब सरकार को भी दे सकती हैं, तो इसलिए इस तरह की बात की जा रही है। ठीक है, और डाटा इस समय आप सोचिए कि डाटा सबसे महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में भी, आप देख सकते हैं अपनी में। सोचिए आप किसी से चैटिंग कर रहे हैं फेसबुक पर जो आजकल चलता रहता है, आप सोचिए व्हाट्सएप पर आप जो चैटिंग कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, किसी भी दोस्त से, कोई भी प्राइवेट बात है आपकी, वो लीक हो जाए तो हो सकता है कि आपकी इतनी प्राइवेट बात हो कि अपनी जान भी उससे जा सकती है, या अपनी आपकी खुशियां भंग कर सकती है। समझ रहे हैं? ये होता है डाटा, इतना महत्वपूर्ण होता है डाटा। डाटा किसी की जान भी ले लेता है। समझ रहे हैं? तो ये है, इसी कारण इस तरह की बात की जा रही है। देख लीजिए ये सभी एप्स आपके, ठीक है, 118 कैम कार्ड देख सकते हैं, शेयर सेव बाय जियो में कैम कार्ड, इसमें आप बॉम मीटिंग, बी चैट, रीडिंग सबको देख सकते हैं आप लोग, HD कैमरा, सेल्फी ब्यूटी कैमरा, ये भी फोटो गैलरी एंड एल्बम, ठीक है, एक तरह से आपकी 118। मोबाइल दबाओ, पूरा ये टेलीग्राम पर डाल दूंगा मैं, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लेना।